जय श्री कृष्णा दोस्तों, श्री अमन बाबा जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक संत और बिल्ली की कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से दोस्तों आप ज्ञान का असली महत्व समझ सकते हैं। दोस्तों, हम सभी ने अपने आसपास परिवार में या मित्रों में ऐसे अनेक लोग देखे होंगे जो संत महात्माओं की कथा बड़े ध्यान से सुनने जाते हैं और मौका मिलते ही दूसरों को भी उन कथाओं की सीख देने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब उन कथाओं की अच्छी बातों को स्वयं के जीवन में उतारने की बारी आती है तो सब कुछ भूल जाते हैं और संसारिक व्यवहार करने लग जाते हैं। वे अपने मूल स्वभाव में लौट आते हैं और कटु वाणी तक बोलने से परहेज नहीं करते। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ एक संत और बिल्ली की कहानी, जिसकी माध्यम से दोस्तों आप ज्ञान का असली महत्व समझ सकते हैं। दोस्तों, यूं ही कि एक संत ने बिल्ली पाल रखी थी। संत जब प्रतिदिन सायकाल में जब संत सत्संग करने बैठते तो बिल्ली को अपने पास बिठाकर उसके सिर पर दीपक रख देते थे दोस्तों, ताकि अंधकार दूर हो। इस बहाने वे बिल्ली के दोस्तों स्वयं से भी सभी सत्संगियों को पराचित कराते थे। यह दृश्य देख दोस्तों सत्संगियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक दिन एक सत्संगी ने बिल्ली की हकीकत पता लगाने की एक युक्ति सोची। वहीं कहीं से दोस्तों एक चूहा पकड़ लाया और उसे चादर में छुपाकर सत्संग करने बैठ गया। जब संत ने कथा प्रवचन शुरू किए तो सत्संगी ने बिल्ली के सामने वह चूहा छोड़ दिया। तब क्या था दोस्तों, बिल्ली ने जैसे ही चूहा देखा वह अपने मूल स्वभाव में लौट आई और चूहे पर झपट पड़ी। दीपक जमीन पर गिर गया और सत्संग स्थल पर अंधेरा छा गया। अब दोस्तों, अज्ञान के अंधकार में खो जाते हैं। यह कहानी शिक्षा देती है। हम सभी इस कहानी की बिल्ली की तरह हैं। जब तक संत महात्माओं के सुगंधित में रहते हैं, कथा सुनते हैं, तब तक ज्ञान की बातें बढ़ चढ़कर करते हैं। हम तभी तक सत्संगी रहते हैं दोस्तों, जब तक दोस्तों की हमारी इच्छित वस्तु हमारे सामने ना आ जाए। जैसे ही कोई इच्छित पदार्थ हमारे सामने आता है, जैसे ही हम संसारिक व्यवहार करने लगते हैं, वैसे ही दोस्तों सत्संग और ज्ञान की बात गायब हो जाती है और हम ज्ञान रूपी दीपक को गिराकर पुनः अज्ञान के अंधेरे में खो जाते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी से शिक्षा मिलती है, किसी भी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उस प्राप्त ज्ञान को अपने अनुभव की कसौटी पर कसकर जीवन में उतार लेना। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है एक संत और बिल्ली की कहानी के माध्यम से ज्ञान का असली महत्व क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल श्री अमन बाबा जी को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय श्री कृष्णा।